दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी अपने आप नहीं मिलेगी। अब आपको सब्सिडी लेने या नहीं लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही आपको दिल्ली में बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी, नहीं तो आ जाएगा पूरा बिल। गौरतलब है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अब वो राज्य के लोगों से बिजली सब्सिडी को लेकर सवाल पूछेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया था कि सरकार लोगों से पूछेगी कि क्या उनको बिजली सब्सिडी चाहिए या नहीं, उसी के आधार पर आगे सब्सिडी देने पर फैसला किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि जो उपभोक्ता कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो डिस्कॉम और मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा लोग बिजली बिल जमा करने के सेंटर पर जाकर सब्सिडी लेने या नहीं लेने को लेकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। सब्सिडी लेने या नहीं लेने को लेकर ऐसे कर सकते हैं आवेदन। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी लेने या नहीं लेने का नियम लागू हो जाएगा। पावर डिस्कॉम के वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं आवेदन। आज दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए, अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट न्यू मल्लेपल्ली नोबल टाकिस क्रॉस रोड हैदराबाद।